हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे हेयर केयर के बारे में बात करने आई हूँ। नंबर वन तो मैं कहूँगी कि हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका डाइट हेल्थी होना चाहिए, आपके हैबिट्स हेल्थी होने चाहिए और दिन में इनफ पानी पीना चाहिए, ड्रिंक इनफ वाटर इन द डे एंड हैव अ हेल्थी लाइफस्टाइल। आई थिंक दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट फॉर हेल्थी हेयर। बहुत सारे वाइटमिन्स हैं जो आप बालों के लिए ले सकते हैं, बायोटिन या ओमेगा 3 या फिश ऑयल कैप्सूल्स, ये बालों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कोई भी औषधि लेने से पहले आप हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करें, इवन इफ दे आर वाइटमिन्स। ये बात हो गई हेल्थ के हिसाब से अगर हम विचार करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं, जैसे हेयर कट्स होते हैं तो आप अपने हेयर कट्स रेगुलरली कीजिए, ट्रिमिंग रेगुलरली कीजिए, ताकि जो स्प्लिट एंड्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, आपके बालों को बढ़ने के लिए जगह मिलती है। हीट जो होती है वो बहुत डैमेज करती है बालों को, तो ट्राई की जिस दिन आप बाहर नहीं जाने वाले हैं आप ऐसे ही बाल सुखाएं, ना कि हेयर ड्रायर और जो कर्लिंग आयरन्स वगैरह होते हैं वो उस दिन ना यूज़ करें। जितना हो सके आप बालों को अपने आप ही ड्राई होने दीजिए। टॉवल अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत रफली मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे भी बाल गिर सकते हैं। माइक्रोफाइबर हेयर रैप आते हैं तो वो आप यूज़ कीजिए अपने बाल बांध के रखने के थोड़ी देर, और फिर बाद में खोल देने के लेट देम एयर ड्राई, सो दैट वे यू आर नॉट डैमेजिंग योर हेयर। आप जब भी शैम्पू करें, बाल धोएं, तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना यूज़ कीजिए, लूक वार्म वाटर, बिल्कुल भुनभुने पानी से आप बाल धोएं। और जब शैम्पू होता है, शैम्पू आप स्कैल्प पे यूज़ कीजिए, ओके, वेरी क्लोज टू द स्कैल्प। और जो कंडीशनर होता है वो बाकी बालों पे लगाइए। ऐसे टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बालों का हिस्सा यहाँ तक। स्कैल्प को कंडीशनर मत लगाइए क्योंकि जल्दी ऑयली हो जाएंगे आपके बाल। बहुत लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि अपने बालों को हाथ लगाते रहते हैं बार बार, तो वो भी हैबिट स्टॉप कीजिए, क्योंकि कभी कभी उससे बालों पे टेंशन आता है और बाल गिर सकते हैं, आपका स्कैल्प जल्दी ऑयली हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। जब भी आप ब्रश करें तो ब्रश भी जेंटली करें, बहुत जेंटली, बहुत ज़ोर से नहीं ब्रश करना अपने बालों को। और आप वेट हेयर को कभी ब्रश नहीं करना। अगर आपके बाल गीले हैं तो एक कोम आता है जिसके ऊपर बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उससे बहुत जेंटली आप अपने नॉट्स वगैरह निकाल सकते हैं। हेयर ब्रश मत यूज़ कीजिएगा। जब बहुत ठंड के मौसम में आप जाते हैं तो आप बालों को कवर कीजिए, जैसे मंकी हैट्स वगैरह पहनते हैं। मैं तो पहन ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ठंड लगती है, व्हेन एवर आई एम इन अ कोल्ड प्लेस। रेगुलर हेयर मसाजेस भी इम्पॉर्टेंट है। सैटरडे नाइट को आप मसाज कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं बालों में, संडे को सुबह आप धो सकते हैं। मेरी प्रोफेशन के वजह से मुझे बार बार मेरे बालों को करना पड़ता है, बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम, बार बार आयनिंग करते हैं, उसको कर्लिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो दो चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, एक ऑयल लगाती हूँ मैं जो मेरे फ्रेंड आनंद ने मुझे सजेस्ट किया था, और एक मास्क है, हेयर मास्क जो मैं यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए, सो आई होप इट हेल्प्स यू ऑल्सो। सो क्या करें, पहले ऑयल बनाते हैं हम। चलिए, आधा कप कोकोनट ऑयल, 15 से 20 करी लीव्स, 1 टीस्पून मेथी सीड्स, 1 छोटा अनियन। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है हमारे बालों को प्रोटेक्शन देते हैं एनवायरमेंटल डैमेज से और ब्रेकेज से, तो उसके लिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड। जो करी लीव्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे, और मॉइस्चराइजेज योर हेयर। जो मेथी सीड्स हैं ये स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं, स्कैल्प इरिटेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, और हेयर लॉस के लिए अच्छा है। एंड अनियन, आई नो एवरीबडी नोज़ कि ये हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम इस यूज़ करेंगे और इसे ऑयल बनाएंगे। सो आफ्टर यू बॉइल्ड इट, यू लेट इट कूल, यू लेट द ऑयल कूल, देन यू स्ट्रेन इट। यू कैन स्ट्रेन इट डायरेक्टली इनटू अ बॉटल और यू कैन स्ट्रेन इट इन अ बोल। So after you strain this, you can put it in a bottle and store it for 2 days, and it's ready to use after 2 days. You can oil your hair with this oil either every 3 days or 4 days, or every Saturday night, so you can wash your hair Sunday morning. Hair mask ke liye hame 3 ingredients chahiye: ek banana, yogurt,
और हनी। तो एक बनाना लेकर आप उसको स्लाइस कीजिए, उसके बाद 2 टेबलस्पून योगर्ट लीजिए और 1 टीस्पून हनी। तो ये सब मिक्स करने के बाद आप इसको या तो हाथ से ही मैश कर सकते हैं या ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंडर में मैश कर सकते हैं। उसके बाद इसे अपने बालों को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद एक शावर कैप पहन लेना ताकि ड्रिप नहीं होगा यहाँ वहाँ एंड इट विल बी इन कंट्रोल। 30 या 40 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं विद अ शैम्पू एंड यू नो यू कैन अवॉइड द कंडीशनर आफ्टर यू यूज दिस मिक्सचर। सो दिस हेयर मास्क बेसिकली हेल्प्स टू सूदन एंड सॉफ्टन द हेयर और इट एड्स शाइन टू योर हेयर। आई हैव फाउंड दैट दिस सूट्स माई हेयर द बेस्ट। आप भी यूज़ करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शंस में। इस हेयर मास्क को एक्चुअली आप खा भी सकते हैं, इट्स वेरी हेल्थी, इट्स लाइक अ स्मूदी और आपके अंदरूनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी आप लगाएं तो भी अच्छा है। बट फॉर टुडे इसे हेयर मास्क की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ़ यू लाइक टू सी मोर ऑफ दीज वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन।